हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल योगा डे के बारे में पढ़ेंगे। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या होता है और इस साल इसकी थीम क्या थी, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल योगा डे के बारे में बात करें, योग एक असंख्य लाभ है। इसे दुनिया भर के लोगों के लिए एक लोकप्रिय अभ्यास बनाता है, विशेष रूप से एक महामारी के समय जब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तनाव में होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस साल कोविड-19 महामारी के चलते इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। योग विशेष रूप से एक महामारी के समय हमारे मानसिक और शारीरिक तनाव को भी कम करता है। अब पहला योग दिवस कब मनाया गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। भारत में इस दिवस को मनाने की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार के आयुष, आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय की है। उस समय भारत में इंडिया गेट पर आयोजित 35 मिनट के इस कार्यक्रम में 21 आसनों को किया गया था, जिसमें लगभग 35,985 लोगों सहित 84 देशों के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था। इस घटना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इस गिनीज बुक पुरस्कार को आयुष मंत्रालय की ओर से श्रीपद येसा नाइक ने ग्रहण किया था। तो सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 में मनाया गया था। इसकी सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने रेजोल्यूशन 69131 के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना का मसौदा भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 175 देशों द्वारा इसका समर्थन भी किया गया था। प्रस्ताव को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित किसी भी मसौदा प्रस्ताव के लिए मिलने वाला सबसे बड़ा समर्थन था। मतलब इस प्रस्ताव को जो पारित किया गया था उसमें जो मेजॉरिटी थी वो किसी भी प्रस्ताव के मुकाबले सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी थी और इसे स्वीकारा था 11 दिसंबर 2014 को। अब हम बात करते हैं कि योग आखिर योग है क्या, जिसके लिए इंटरनेशनल योगा डे शुरू किया गया। तो योग क्या है? योग भारत की एक प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह मन और शरीर की एकता, विचार और कार्रवाई संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक सरल माध्यम है। इसकी मदद से न सिर्फ स्वास्थ्य तन बल्कि शांत मन को भी पाया जा सकता है। योग की मदद से पूरी दुनिया में शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो, लोगो हमने अभी देखा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो है वो हमें क्या दर्शाता है? तो सबसे पहले यह मानवता के लिए शांति और सद्भाव को दर्शाता है। सेकंड, लोगो में दोनों हाथों का जोड़ना सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन दर्शाता है। थर्ड, लोगो मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति और स्वास्थ्य और भलाई के लिए समग्र दृष्टिकोण के बीच एक सही सामंजस्य को दर्शाता है। हर पत्ते प्रकृति और नीले रंग अग्नि तत्व का प्रतीक है। भूरे रंग के पत्तों पृथ्वी का प्रतीक है। और फिफ्थ, जो लोगो है उसमें सूर्य का होना ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत का प्रतीक है। मतलब उस लोगो में जो हरे पत्ते हैं वो प्रकृति का और नीले रंग अग्नि तत्व का प्रतीक है,
भूरे रंग के जो पत्ते दिखाए गए हैं वो पृथ्वी का प्रतीक है, और उसमें जो सूर्य दिखाया गया है, सूर्य का होना वहां पर हमारे लिए एक एनर्जी, एक ऊर्जा और एक प्रेरणा का स्रोत है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो लोगो है वो हमें ये पांच चीजें दर्शाता है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि इंटरनेशनल योगा डे 2021 की जो थीम थी वो क्या थी। तो द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा दिस ईयर इज योगा फॉर वेलनेस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस साल 2021 में इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी। तो योगा डे की थीम थी योगा फॉर वेलनेस, आप याद रखिएगा। अ मोटो अलाइन टू द करंट प्री ऑक्यूपेशन ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक द वर्ल्ड इज फेसिंग अ क्राइसिस and people are restricted to their homes and contain the spread of the novel COVID-19. इस साल कोरोना वायरस पैंडमिक के कारण जो वर्ल्ड है वो एक बहुत बड़ी क्राइसिस, एक बहुत बड़ी आपदा से लड़ रहा है। तो पीपल जो हैं वो अपने घर में ही कैद होकर रह गए। इसके दौरान अगर हम इंटरनेशनल योगा डे से एक सीख लें और अपने जीवन में भी उसे अपनाएं तो योगा से होने वाले लाभ हमें ज़रूर मिलेंगे। योगा से हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क और जो मानसिक तनाव है वो भी कम होता है। तो इस साल की थीम को याद रखिएगा, योगा फॉर वेलनेस। और योगा फॉर वेलनेस थीम जो इस साल दी गई है वो COVID-19 वैश्विक महामारी के चलते दी गई है। तो ये थी पूरी करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल योगा डे को लेकर। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, श्वास से प्रेम है तो प्राणायाम करें, और आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। तो इसी के साथ ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।